Recording in progress. We are starting with the topical revision, the last minute review. दो टॉपिक्स पे हमारा फोकस है आज आज पहला सेशन है चार सेशन का पहला सेशन पास पेपर्स जो हैं वो अलग से अपलोड होंगे आज हम लोग फोकस करते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे और जो अगला टॉपिक है दैट विल बी वेक्टर्स तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ये किस चीज का चैप्टर है वॉट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट ये जानना जरूरी है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को कॉमन लफ्जों में आइटरेशन भी कहते हैं जो कि उसका एक हिस्सा है अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो टू थिंग्स टू एक्सप्रेशन टू फंक्शन आर मल्टीप्लाइंग टू गिव यू जीरो ईदर वन ऑफ देम इज जीरो और अगर मेरे पास है एक्स ई एक्स इक्वल्स टू वन अब मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक्स वन है और ई एक्स वन है नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसकी तो लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज है ये टू और हाफ भी हो सकता है ये थ्री और वन थर्ड भी हो सकता है ये नेगेटिव फोर और नेगेटिव वन फोर्थ भी हो सकता है और बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज है सो नॉर्मल मेथड डस नॉट वर्क इसको मैं नॉर्मल मेथड कह रहा हूं दैट दट नॉट वर्क अब क्या करें अब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पहले ग्राफ्स का रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन से ग्राफ्स हमारी जिंदगी में पेपर्स के अंदर आएंगे वो देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन जिसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है दैट इज लाइक क्लाइंबिंग अप द स्टेट सी डी ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं और इसमें दो ऑप्शन से हो सकता है वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है वाई नेगेटिव हो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री मिसाल के तौर पर वाईजक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस वन दोनों ग्रेडियंट्स पॉजिटिव है बट एक का y इंटरसेप्ट जो है वो दोनों के y इंटरसेप्ट माइबहट एक का y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एक का y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और जो दोनों के ग्रेडियंट्स है वो पॉजिटिव है बाय द सेम स्टैंडर्ड अब क्या है अब दोनों के जो ग्रेडियंट्स है वो नेगेटिव है एक का वाई पॉजिटिव है एक का इंटरसेप्ट तो आपको नहीं चाहिए। ये डन हो गई। अब आ जाए इस जगह पे When we have a, line, y is equals to a constant, that लाइन a line parallel to the x-axis, और इसका ग्रेडियंट जीरो होता है हो सकता है ये पॉजिटिव फाइव यहां हर जगह पॉजिटिव फाइव हो यहां हर जगह नेगेटिव टू हो तो ये दोनों लाइन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की है द एक्स एक्सेस इट्सेल्फ उसका नाम क्या है उसका नाम है वाई इक्वल्स टू जीरो या, नाम तो एक्स एक्सेस है उसकी इक्वेशन क्या है उसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू जीरो अच्छा जी यहां पर जो है वो ये है कि अगर मेरे पास y एक्सेस और x एक्सेस है और लाइन पैरेलल टू y एक्सेस है तो यहां पे अगर टू से गुजरेगा हर जगह एक्स टू है दिस इज इज एक्सिकल्स टू जीरो ग्रेडियंट क्या है, है? अनडिफाइंड अच्छा जी यहां पर आ जाए ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स है ए कॉन्स्टेंट है ए इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट जो भी हम कॉन्स्टेंट लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं अगर a रेस टू पावर ऑफ x है दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इसके बाहर माइनस साइन लगाएंगे दट इज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्स और ये वाला जो है ए रेस टू पावर ऑफ माइनस एक्स इन दोनों का ताल्लुक ये आपने P1 में पढ़ा है कि अगर फंक्शन के अंदर यहां माइनस आया f ऑफ माइनस एक्स दैट्स रिफ्लेक्शन इन y एक्स और अगर बाहर माइनस आया दिस इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्स दिस इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्स

पूरे ग्राफ को वन यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वन बिकम्स टू एंड एट द सेम टाइम द डॉटेड शिफ्टेड अप यहां पर आ जाएं, y e x e of, ये लाल वाला वाल ई रेस्ट पावर ऑफ एक्स है पर्पल वाला ई रेस्ट पावर ऑफ टू एक्स है अच्छा जी उसके बाद ये दोनों ही वाई से गुजरेंगे एक ज्यादा स्टीपर है बनस्पत दूसरे के

उसके बाद एलएन का ग्राफ बनाना होता है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है एलएन से पहले कुछ है उसको इग्नोर करें एलएन के बाद जो कुछ है उसको ग्रेटर देन जीरो करें तो आपका डोमेन आता है so, is is इसके सीधे हाथ पे बनेगा यहां है थ्री माइनस फाइव एक्स थ्री माइनस फाइव एक्स ग्रेटर तो ये हो गया थ्री फिफ्थ एक्स इक्वल्स टू ने और ये इसके उल्टे हाथ पे बनेगा और इसी तरीके से उसका एक सिंटेसेप निकालेंगे तो ये ग्राफ यूं गुजरेगा ये ग्राफ यूं गुजरेगा अब बात करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन की जो कि पी में आपने ठीक ठाक देखे रेसिप्रोकल फंक्शन जो है ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है ये के ओवर एक्स है एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव के ओवर एक्स स्क्वायर है एक्स पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है

इसमें अगर कोई कोफिशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा स्टीप होगा या जीरो से वन के दरमियान होगा तो ज्यादा फ्लैटन होगा और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा एंड सो ऑन फैक्टराइज फॉर्म आपको मालूम है एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री दोनों को इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये आपके रूट्स आ गए ये आपकी शक्ल आ गई ग्राफ की शक्ल आ गई अच्छा जी उसके बाद वाईज स्क्स नाइन दिस इज प्लस एक्स माइनस थ्री ये वाली जो चीज है यहां पे इसके दो रूट्स आ गए और उसके बाद जो है ये भी इसकी शक्ल आ गई ये फिर कंप्लीटेड स्क्वेर फॉर्म से इसको स्केच कर लिया क्यूबिक फंक्शन पे आ जाए जब हम क्यूबिक फंक्शन में आएंगे कोफिशन ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है सो दिस इज फर्स्ट क्वार दिस इज थर्ड क्वार यहां से यूं जाएगा या यहां से यूं जाएगा

ये वाला ज्यादा डिटेल में इसको इग्नोर करें अब आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बनाना आता है उसके बाद आपको यह भी पता है एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो साइन ऑफ जीरो 180, 360, ये सब जीरो है साइन ऑफ नेगेटिव नेगेटिवी नेगेटिव थ्री सिक्सटी ये भी जीरो है इसका मतलब है इस जगह इसका रेसिप्रोकल जिसको कोसेक कहते हैं वो अनडिफाइंड है तो ये 360 पे ये डॉटेड लाइन है 0 पे डॉट 180 पे नेगेटिव पे डॉटेड लाइन है यहाँ पे 0 पे डॉटेड लाइन है यहाँ पॉजिटिव 180 पे डॉटेड लाइन है पॉजिटिव 360 पे डॉटेड लाइन है और ये वाला ग्राफ बन गया cosec का तो अब आपको ये इस तरीके से याद रखें कि जो cosec का ग्राफ है मैंने अलग से नहीं बनाया वो 0 से 180 और 180 से 360 ये और ये ये और ये मिला के एक साइकिल

चले ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया उसके बाद अब न्यूमेरिकल सोल्यूशन में अगली चीज आती है दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ ग्राफिकली ग्राफिकली हम कैसे साबित करेंगे कि रूट दरमियान है अच्छा अब इसकी लॉजिक जो है वो अभी समझने का इतना टाइम नहीं है तो मैं इसकी लॉजिक पे नहीं जाऊंगा ठीक है क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है अठारह तारीख को इनशाला आपका एग्जाम है अब इसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक इक्वेशन को इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ना है कि चूंकि आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसके जो रूट्स होंगे द सेम थिंग एज इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस इतना समझ लें ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स इज द सेम थिंग एज दीज टू इंटरसेक्टिंग विद वन अनदर तो अगर मेरे पास है एक्स इजल्स टू वन ओवर ई एक्स्यू पावर ऑफ माइनस एक्स ये पावर ऑफ माइनस एक्स ड्रॉ किया ये जगह पे कट रहा है एक जगह पे इसका मतलब है ओरिजिनल इक्वेशन का एक रूट है लेकिन यू भी तो हो सकता था कि ई एक्स उल्टे हाथ पे रह गया वन ओवर एक्स सीधे हाथ पे आ गया ये वन ओवर एक्स का ग्राफ है वन ओवर एक्स का ग्राफ है ये ई रेस्यू पावर ऑफ एक्स है तो ये भी एक ही जगह पे कट रहा है तो यू ड्रॉ करे यूं ड्रॉ करे इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग उसके बाद दूसरी चीज आती है दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट्स बाय चेंज ऑफ साइन मेथड क्या मतलब वो ये कहता है कि अगर एक सिंबल हम देते हैं जो बेसिक एंगल का सिंबल है वो यहां पर भी इस्तेमाल होता है इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर ये इसका रूट है और अल्फा कोई दो वैल्यूज के दरमियान लाई करता है तो ये जरूरी है फंक्शन की वैल्यू एट ए एंड फंक्शन की वैल्यू एट बी है सिंपल साइनस टू एक्स और वो कह रहे हैं शो दैट द रूट लाइज बिटवीन वन एंड थ्री मैंने वन प्लग इन किया मेरे पास नेगेटिव आया मैंने थ्री प्लग इन किया मेरे पास पॉजिटिव आया क्यों ऐसा आ रहा है क्योंकि इसका रूट तो टू है वन पे ग्राफ से नजर आ रहे हैं वाई वैल्यू नेगेटिव है थ्री पे ग्राफ से नजर आ रहे वाई वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है रूट इन दोनों के दरमियान में यहां मैंने लिखा हिंट फैक्टर थ्योरम क्योंकि अगर रूट प्लग इन करेंगे वो तो मुझे जीरो देगा तो रूट से पहले कोई एक नेगेटिव देगा रूट के बाद कोई एक पॉजिटिव देगा क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है जहां ये रूल फेल हो जाता है चेंज ऑफ साइन मेथड फेल होता है अगर ग्राफ इज टू एक्स क्यों उससे पहले ए था वो भी पॉजिटिव दे रहा है उसके बाद बी था बी भी पॉजिटिव दे रहा है तो यहां चेंज ऑफ साइन मेथड फेल ये चीज भी हो गई अब यहां पर इन दोनों की बेसिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस देखे अभी तीसरा पार्ट आइटेरेशन बाकी है गौर से सुनिएगा बाई स्केचिंग सूटेबल ग्राफ्स अभी हम सिर्फ पार्ट वन और पार्ट टू कर रहे हैं

तो ये वाली वैल्यू सेवन है क्यों क्योंकि ये एक यूनिट यूनिट ऊपर पूरा हो गया अब अगला पार्ट क्या है दल्ड वेरीफाई बाई कैल्कुलेशन दस रूट लाइज बिटवीन जीरो पॉइंट फाइव इन वन अब यहां पर ये पूरी इक्वेशन है सारे टर्म्स एक तरफ कर ले तो ये सबसे जरूरी है टेक ऑन वन साइड क्योंकि का लग रहा है न, तो चाहे सारे सीधे हाथ पे ले चाहे सारे उल्टे हाथ पे ले चूंकि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आदत डाले सारे के सारे उल्टे हाथ पे ले ले उसके बाद पॉइंट फाइव डाले उसके बाद वन डाले एक से नेगेटिव आ रहा है एक से पॉजिटिव आ रहा है अच्छा जी अब आ जाए ये दूसरी चीज पे इसके जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैं एक मिनट देख लू पहले वाले में कोई और क्वेश्चन तो नहीं है नहीं है यहाँ पे एक और क्वेश्चन अब यहां पे ग्राफ पेपर इज नॉट नीडेड ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ और उसके बाद क्या कह रहे हैं बाई स्केचिंग सूटेबल ग्राफ शो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग हैज वन वन पॉजिटिव रूट रूट नेगेटिव अब ये आपको बताना है वन पॉजिटिव वन नेगेटिव माइनस एक्स स्क्स फोर फोर माइनस एक्स स्क् माइनस एक्स स्क्सर सो ये तो यहां से गुजर रहा था लेकिन चूंके प्लस फोर किया तो इसको आप चार यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गए और ई रेस्टिव पावर ऑफ माइनस हाफ एक्स इज जस्ट लाइक ई रेस्टिव पावर ऑफ माइनस एक्स स्टीपनेस चेंज होगी हमें उससे क्या लेना देना एक जगह पे ये है ये नेगेटिव रूट है एक जगह पे ये है ये पॉजिटिव रूट है ये कहानी हो गई

जब भी आपका ट्रिक का क्वेश्चन आएगा चाहे ट्रिक का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का हो चाहे ट्रिक का क्वेश्चन डिफरेंसिएशन का हो चाहे ट्रिक का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो चाहे ट्रिक का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो इन चारों के लिए इट इज मस्ट के आपका जो एंगल uh, है वो रेडियंस में होना चाहिए एट द सेम टाइम नेचुरली कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर शुड बी इन आर ए डी मोड कैलकुलेटर शुड बी इन द रेडियन मोड ये याद रखिएगा अब ये कह रहे कि द इक्वेशन कोट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स तो यहां पे जरा हाईलाइट करते हैं दिस इज कॉट एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स हाथ ए रूट इन द इंटरवल जीरो

एग्जाम में मत कीजिएगा ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ये जीरो से लेके पाई तक ये ग्राफ बना का ये यूं करके बनाया ये यूं करके बनाया, यहां है, के पाई included, के वो है ना पाई इंक्लूडेड है ना इंक्लूडेड है ये भी एसम टोट यहां तक हो गया अच्छा टेंजेंट ऑफ पाई जीरो होता है यही चीज मैं यूं भी लिख सकता हूं

एक مرتبہ 2.5 प्लग इन किया एक مرتبہ 3.1 प्लग इन किया किसी एक से पॉजिटिव आएगा किसी एक से नेगेटिव आएगा अच्छा जी अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर थोड़ा सा सेक्टर वगैरह का कॉन्सेप्ट आए अब ये कह रहे हैं पहले यहां डायग्राम की ये इंफॉर्मेशन पढ़ लें द डायग्राम शोज अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर डायमीटर ए बी ये हो गया रेडियस आर ये भी आर हो गया ये भी आर हो गया ये भी आर हो गया और डायमीटर हो गया ए बी द पॉइंट पी सच दैट एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ये रहा पी एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑन ए पी ये जो ब्लू वाला है इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑन बी पी एंगल इज एक्स रेडियंस अच्छा कोई ऐसा क्वेश्चन है अगर उसमें रेडियस ना दिया हो

area of sector minus area of triangle half r square common हो गया that is x minus sine x इसी तरीके से सीधे हाथ वाले पे ये जो दूसरा सेक्टर है इसका रेडियस भी r है लेकिन इसका एंगल पाई माइनस x है इसका रेडियस ट्राइंगल के लिए रेडियस तो नहीं कहेंगे साइड्स कहेंगे ये साइड r है ये साइड r है ये एंगल पाई बाई x है लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं मैं यहां फिर से लिख देता हूं और ये प्रॉपर्टी यू आती है दोनों तरफ आपको याद होना चाहिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा थीटा वन एट्टी डिग्री ये टेंजेंट के साथ भी आती है मैं लिख देता हूं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल को साइन रूल या बेसिक हाफ ए में ये पहली दो इस्तेमाल होती है टैजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस टैंजेंट थीटा

वो पर्पल एरिया का आधा है ब्लू एरिया जो है वो पर्पल एरिया का आधा है या पर्पल ब्लू का डबल है यू भी कर ले उसके बाद आपने वगैरह किया एंड देन यू गेट दिस आंसर सही है आराम से वर्किंग देख ले अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन के ये तीसरा आता है दातस के लेक्चर नंबर थ्री न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन अब इसके अंदर क्या है इसके अंदर आइटेशन का कॉन्सेप्ट करते हैं अब आइटरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है आइटरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में सेटअप करते हैं ये इसकी जो डिटेल है कि ये इसमें क्यों सेटअप करते हैं वो हमारे सिलेबस पर नहीं है और वैसे भी अभी वक्त नहीं है इस सारी चीजों में जाने का x सबस्क्रिप्ट n प्लस वन इज फंक्शन ऑफ एक्स कोई ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें कम अज कम दो एक्स के अलग अलग टर्म्स होंगे एक एक्स को वो एग्जामिनर बताएगा एक एक्स को उल्टे हाथ पे करे द लेफ्ट हैंड साइड बाकी सारे रेस्ट को सीधे हाथ पे करे यहां पे ये जो छोटा एन है इसको इनपुट वैल्यू कहते हैं और एन प्लस वन इज आउटपुट वैल्यू अगर एन वन है तो एन प्लस वन जो हो गया वो टू है अगर एन टू है एन प्लस वन थ्री हो गया क्या मतलब एक आपने इसमें इनिशियल वैल्यू डाली आपको दूसरी वैल्यू देगा दूसरी वैल्यू डालेंगे तीसरी वैल्यू देगा तीसरी वैल्यू डालेंगे, चौथी वैल्यू देगा तीन चार है तो वो जो अपनी मेहनत करता है, अब पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, it says, sketch the curve, y देखतेट एक्स प्लस जो भी करना है अभी उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है हमारा फोकस है

तो यू हैव टू यूज दैट वैल्यू मैं एक मिनट अजान के लिए मैं पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि आइटरेटिव फॉर्मूला इस्तेमाल करने की तो आइटरेटिव फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है ये वाला आपका आइटेरेटिव फॉर्मूला है अगर वो स्टार्टिंग वैल्यू देगा वी हैव टू यूज इट अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो एस सच हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है हम थ्री भी कर सकते हैं हम फोर भी कर सकते हैं मिड वैल्यू भी कर सकते हैं भी भी कर सकते हैं, थ्री भी कर सकते सकते हैं हैं सबसे सेफ जो है वो है मिड वैल्यू बिकॉज आपको नहीं पता रूट कहां पर आते है अब देखिये मैंने क्या किया मैंने ये किया एक्स वन थ्री पॉइंट फाइव यहां पर फोकस करें एक्स वन थ्री पॉइंट फाइव लिया X2 निकाला और मैंने आंसर लिखा है 3.37654 इसने कहा गिव द रिजल्ट ऑफ

यहां पे जब हम थ्री डेसिमल प्लेस पे जाएंगे तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा और ये तीसरा तो चौथे को देखेंगे दस ने को में चेंज कर दिया और पहला और दूसरा और तीसरा और ये चौथा ये ऑलरेडी सेवन है तो चूंकि ये दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम आ गए दैट मींस हमें हमारा आंसर मिल गया दे फॉर आंसर इज थ्री पॉइंट थ्री डबल सेवन गलती से मैं आगे भी चला गया तो वह आंसर वहां अटक जाएगा इट टू अ रूट ऑफ़ द इक्वेशन दैट इज द साइन ऑफ़ अ सक्सेसफुल प्लग इन करेंगे वही आपको मिलेगा जो इनपुट होगा वही आपको आउटपुट मिलेगा सो दैट्स हाउ सक्सेसफुल आईटेरेशन इज डन अच्छा जी अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे यहां पर अब रेडियंस वाला है इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या खास बात है ये वही क्वेश्चन है जो अभी आप शायद थोड़ी देर पहले कर चुके थे अब ये कह रहे हैं आपको इसने आइटरेटिव फॉर्मूला दिया हुआ है अब इसने कहा डिटरमिन द रूट करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू फोर डेसिमल प्लेस 0.5 है, 0.8 है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट किया से. से स्टार्ट किया आपको आंसर मिला 6127, 6127 प्लग इन किया आपको मिला सिक्स टू एट सेवन प्लग इन किया आपको मिला सिक्स टू वन नाइन सिक्स टू वन नाइन प्लग इन किया आपको मिला सिक्स टू फोर एट सिक्स टू फोर एट प्लग इन किया आपको मिला सिक्स टू थ्री फाइव अब जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो अफकोर्स ये दोनों आंसर डिफरेंट है दैट मींस यू नीड टू कंटिन्यू इसको राउंड ऑफ करते हैं टू डेसिमल प्लेसेस तक जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी उसने मांगी है तब तक आंसर डिफरेंट है यहां पे इन करते हैं ये सिक्स टू आया सिक्स टू आया गलती से आगे भी चला गया कोई मसला नहीं है सो दे रूट ऑफ द इक्वेशन इज जीरो पॉइंट सिक्स टू अच्छा जी यहां पर आ, मैं एक आध और क्वेश्चन करना चाहता हूं जरा सा डिफरेंट वाला और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे द क्वेश्चन इज गिवन दैट

उससे दो लेवल ऊपर कराएगा टू डेसिबल प्लेस चाहिए फोर डेसिबल प्लेस कराएगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स कराएगा सही है अच्छा जी सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे यहां थोड़ा सा वो रिव्यू भी आ जाएगा अलग से इंटीग्रेशन की क्लास में भी आएगा सो यू इज इक्वल्स टू एल एन एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स टी एक्स एल ए टी इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे डी

माइनस से जान छोड़ाई इन दोनों की जगह बदली इसलिए ए नीचे आ गया वन ऊपर चला गया ये वन ओवर एक्स हो गया इक्वल्स टू टू फिफ्थ उसके बाद लिमिट्स डालें एक्स में भी डालेंगे में भी डालेंगे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर तो इस तरीके से ये प्रूव किया बाकी सारी वैल्यू बाकी सारी वर्किंग तो एज इट इज वही है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें यहां पे ये है द डायग्राम वो इंटीग्रेशन का था ये डिफरेंशिएशन का है the diagram shows the curve y is equals to sin x over x for x lying between 0 se 2 pi and its minimum point m show that the x coordinate of m satisfies this equation wo kahan se aayega wo aapka quotient rule se aayega to ye hai sin x over x quotient rule hai ye u hai ye v hai ye u se u prime v se v prime ख्याल रखिएगा ये quotient rule इस्तेमाल हो रहा है by parts नहीं हो रहा है वो इंटीग्रेशन था ये डिफरेंसिएशन था

पीडीएफ निकाले में वेक्टर्स के मैं पहले सारे उनको एक लाइन में कर दू और यहां पे फिर हम लोग आगे कहानी स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ रिपिटेशन भी होगी कि कोई क्वेश्चन आपको हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपको पहले नजर आया हो फिर बाद में फिर से नजर आया हो एंड सो ऑन तो हमें असल फोकस करना है इस चीज के ऊपर हम लोग यहां से ये यह जो बेल वाला है ये स्टार्ट करते हैं चलो जी बिसवल्ला करते हैं वेक्टर्स ऑफ पी थ्री किसी जमाने में पी वन में होता था वेक्टर्स वो उन्होंने निकाल के पी थ्री में डाला और पी थ्री का जो अपना वेक्टर्स है उसमें सेवेंटी परसेंट उन्होंने फेंक दिया सो so, वेक्टर्स को ठीक ठाक डाइल्यूटेड वैक्टर्स है जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग बात है लोगों को ये भी मुश्किल लगता है अच्छा जी यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ओ लेवल मैथ से स्टार्ट करते हैं दैट इज द ऑफ कॉलम वेक्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पॉइंट्स पॉंस है आप कॉलम वेक्टर्स में लिख सकते हैं पहली चीज तो ये हो गई कॉलम वेक्टर में आपने पढ़ा है डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एस फॉर्मूला ओरिजिन से अगर मैं मार्क करूं एक्स वन माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई वन माइनस स्क्वायर अंडर रूट दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम और जो डिस्टेंस फार्मूला है वो पाइथागोरस से ही आया है अगर ओ ए का मैग्निट्यूड चाहिए दैट इज वैक्ट मैग्निट्यूड ओ ए इज द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ए या o to A, जो भी आप इसको कहें तो यहां पर होल स्क्वायर स्क्वायर होल थिंग अंडर रूट एंड देन वी गेट दिस पर्टिकुलर आंसर अच्छा जी उसके बाद हमें यह याद रखना चाहिए ओ लेवल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ए बी

तो वो भी दोनों के डिस्टेंसेस सेम आएंगे ये ये 5, 11 0, 125, A, B, ये देखें मैंने और का का डिस्टेंस निकाला निकाला वेक्टर मैग्नीट्यूड सारा मैं साइड बाई साइड लेके चल रहा हूं सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द सेम थिंग एज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम थिंग एज मैग्नीट्यूडर ए बी पैरल वेक्टर्स ये सारे ओ लेवल के कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि यू नेवर नो कि ये वाले कॉन्सेप्ट पे वो पूछेगा या दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे पूछेगा वो हमेशा घुमाते रहता है आधा इस पर पूछ लिया आधा उस पर पूछ लिया पता चला ये बेसिक सी आपको नहीं आता हो सो देन यू आर स्टक बिग टाइम अब यहां बात हो रही है पैरल वेक्टर्स की जब हम पैरल वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक वेक्टर है थ्री फोर एक है सिक्स एट एक है फिफ्टीन ट्वेंटी एक है माइनस ट्वेल्व माइनस है जीरो पॉइंट थ्री फोर को स्टैंडर्ड रखते हैं यहां से टू कॉमन लिया यहां से फाइव कॉमन लिया यहां से माइनस फोर कॉमन लिया यहां से 1 10 लिया, यह सारे आपस में पैरल है क्यों क्योंकि जो कॉन्स्टेंट नजर आता है ये टू है कहीं फाइव है कहीं फोर है कहीं वन ओवर टेन है ये बल्कि माइनस फोर है एक्चुअली सो डी इज मैग्नीट्यूड वाइज फोर है तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीपल ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए ये मैंने डायग्राम से बना के बताया इनकी शक्लें यूं हैं डी जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे क्यों क्योंकि के नेगेटिव है के पॉजिटिव होगा सेम डायरेक्शन नेगेटिव होगा ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है दैट मींस दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर v इज k टाइम्स u मैग्नीट्यूड ऑफ

और यहां पे मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ है यूनिट और यूनिट वेक्टर का ये रहा फॉर्मूला उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया तो लेट मी हाईलाइट इट सो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाई इीट्यूड तो यहां मैं फिर से भी लिख देता हूं कि यूनिट वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर जो है दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ये चीज लिखती है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम आता है सो दे फोर पैरल हैव द सेम यूनिट वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरल का मतलब होता है सेम स्लोप वेक्टर्स में पैरल का क्या मतलब होता है दे हैव द सेम डायरेक्शन दे हैव द सेम यूनिट वेक्टर द स्केलर मल्टीपल ऑफ वन अनदर ठीक है अच्छा जी उसके बाद थ्री डी वैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है एक डब्बा बना हुआ है और यहाँ पे इस डब्बे में कोई आ, क्या कहेंगे क्यूबॉइड हो गया क्यूब और क्यूबॉइड और किसी भी टाइप का प्रिज्म और इस टाइप की चीजें जो आती है वो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक थ्री डी फिगर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक्सेस दे अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर अब थ्री डायमेंशन की बात हो रही है अब जो पॉइंट है एक्स वाई जी वो एक्स वाई जी लिखा जाएगा इसका मैग्निट्यूड एक्स रूट होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वही जो पहले था उस पर एक अलग जी की डायमेंशन ऐड हो जाएगी वेक्टर ए भी चाहिए क्या है आई जे के कंपोनेंट जो है वो आई एक्स वाला हो गया जे के वाई वाला हो गया के जो है वो जी वाला हो गया अच्छा जी अब यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है सेस रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ, द वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड एंड डी आर गिवन बाय सच सच तो आपको OA दिया है वो कभी ये नहीं कहेगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी निकाले वो कहेगा वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ़ आप क्या करेंगे आपने ओ ए लिखा है

यूं भी छोड़ सकते हैं यूं भी छोड़ सकते हैं सिंप्लीफाई करके भी छोड़ सकते हैं एग्जामिनर ने अगर कुछ नहीं लिखा है ऑल दीज आर एक्सेप्टेबल यहां मैं मार्क कर दू कि ये वाला जो है ये भी एक्सेप्टेबल है ये भी एक्सेप्टेबल है ये भी एक्सेप्टेबल है सही है पार्ट टू पे द वैल्यू अच्छा पार्ट टू अभी नहीं किया क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मुझे अभी बता बताना है ठीक है वो आगे चल के वर्किंग आएगी द वैल्यूज ऑफ क्यू फॉर विच लेंथ ऑफ एडीएस सेवन यूनिट्स सो ए डी का जो लेंथ है सेवन यूनिट्स उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए ये करेंगे कि आपने ए लिखा डी लिखा ये रहा रहा ये ओ ए ये रहा ओ डी ये ए डी निकाला ए डी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर अंडर रूट इस ब्रैकेट को मत खोलिएगा क्योंकि खामक आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी स्क्वायर बोथ साइड्स और प्लस माइनस का ख्याल रखिए देयर आर टू आंसर्स अच्छा एक और एग्जाम टाइप क्वेश्चन ये किसी जमाने में एडवांस में आया करता था अभी भी कभी कभार आ जाता है वो ये है कि फाइंड वेक्टर का मतलब है parallel, parallel का मतलब है मल्टीपल तो फाइव जीरो ये ये हमारा पैरल वेक्टर है और मैग्नीट्यूड है 65 पहला वाला मेथड वो ये है कि पैरल वेक्टर्स का इसका नाम यू रखा इसका मैग्नीट्यूड निकाला इसका मैग्नीट्यूड uh, 65 है तो इसके मुकाबले में ये गुना बड़ा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइड बाई और इसका आंसर आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि करना जरूरी नहीं है सिर्फ यूनिट वेक्टर के ऊपर एम्फोसिस करना जरूरी है वो ये है कि u इज दस मैग्नीट्यूड ऑफ u इज दस यूनिट वेक्टर इज दस

स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये एक और चीज होती है वो अब सिलेबस पे नहीं है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है तो हमारे पास आसान चीज है ये इस्तेमाल करते हैं दो चीजों के, के लिए और उसी एंगल से रिलेटेड ये है आप उसमें कहते हैं ना ज्योमेट्री में इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई टू गिव यू माइनस उसी टाइप का वेक्टर की कहानी इसकी एप्लीकेशन

एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूज डॉट प्रोडक्ट अब यह पूरा फॉर्मूला क्या है पूरा फॉर्मूला एस के एस ए मॉडल थीटा सो देट मी अंडरलाइन इट ए डॉट बी एस ए मॉडल बी मॉडल कोसाइन थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एन बी ये ए लिखा है ये बी लिखा है A लिखा A का magnitude निकाला, B लिखा B का का निकाला निकाला वही है और उसके बाद ये आपका numerator हो गया, ये आपका आपका हो हो गया गया सीधा सीधा कैलकुलेटर में डालेंगे यू गेट एग्जामिनर रेडियंस में भी एक्सेप्ट करता है एग्जामिनर डिग्री में भी एक्सेप्ट करता है सिर्फ ये है कि unless के उसने कुछ खास चीज लिखी हो तो उसके हिसाब से कीजिएगा उसके बाद ये कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दी एंड क्यू पी जो है वो है one two one. Q जो है वो है है यहां पर भी वही चीज खास बात क्या है खास बात ये है कि इसका न्यूमिरेटर नेगेटिव आ रहा है तो जब आप प्लग इन करेंगे योर आंसर विल कम आउट टू बी ऑब्ट्यूस ये खास बात नहीं है हाँ ये ट्रिक्टोमेट्री का सवाल नहीं है इसका क्वाड्रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है जस्ट प्लग इट इन अच्छा अब अगर एग्जाम टाइप क्वेश्चन है कि फाइंड द अच्यूट एंगल बिटवीन पी एंड क्यू अब मैंने इसको मॉडिफाई किया है ठीक है थोड़ा सा तेज लग रहा है मुझे मैं जरा सा इसका ये रंग हटा देता हूँ चुकेगा ये जरा रंग हटा देते उसको ब्लू में कर लेते एग्जाम टाइप क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन पी एंड क्यू एक तो ये है कि एज इट आने दें और उसके बाद जो एंगल है वो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें आने दे, उसको से कर दे। दूसरा ये माइनस साइन को रिमूव कर दे और आंसर जो है वो खुद खुद uh, यहां वी है, है इनका डॉट प्रोडक्ट इसका न्यूमरेटर जीरो आ है। कौन सा एंगल है जिसका कोसाइन साइन जीरो होता है 90 का तो यहां से खास किस्म का रूल पता चलता है

अगर एंगल का नाम लेके बात करें तो डायग्राम बना ले ए बी दिस इज ए ओ बी ये तीसरा तो मैंने बनाया नहीं बनाया उसको इग्नोर करें तो एओ बी इसको मैं हटाई देता हूं कंफ्यूजन है ए ओ बी निकालने के लिए टेक टू वेक्टर्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट तो ये जरूरी है दोनों कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं दोनों डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं मैंने आदत डाली हुई है लोगों को कि टेक टू वेक्टर्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट तो ओ ए लिया ओ बी लिया रेस्ट ऑफ द थिंग इज द सेम एज बिफोर अब देखें क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहे हैं मॉड्य सॉरी एंगल एंगल्टर एज टू माइनस टू वन वेक्टर बी एज टू सिक्स द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी डायरेक्शन कुछ भी नहीं कहा अक्यूट चाहिए ऑप्टूज चाहिए जो आएगा खामोशी से लिख दीजिएगा आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के दिस सिंप्लीफाईज ये मैंने यहां लिखा नहीं है सिंप्लीफाई नहीं किया सो लेट मी टू इंटू टू इज फोर

तो आपको पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है क्या चीज जरूरत नहीं है एक मिनट तो सर मैं बड़ा कर कि कि आपने लिखा ऑफ 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 बी सी एंड दिस इज कोसाइन अगर आप यह लिख भी देंगे तो क्या होगा दिस विल कम आउट टू बी जीरो तो आप डायरेक्ट जीरो के बराबर कर दे वहां से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी अच्छा जी यहां पर इस पर जाए थ्री डी वेक्टर्स है ये है, इस ये इसमें होता है example, है कि आपको यू हैव टू टेक अ वॉक अलोंग द द एज ऑफ ग्राफ यानी फॉर अगर ओरिजिन इस जानव जाएंगे ए ए यानी ये a की जाएंगे, से जाएं, से e जाएं, से जाएं, तो ये सारी आई डायरेक्शन में होगा जितनी लेंथ है उतने यूनिट वेक्टर्स होंगे। सारे फोर है ओ ए हो गया फोर आई और क्या क्या फोर आई है सी बी फोर, फोर आई है डीई फोर आई है जी एफ e, फोर आई, है, G, F, फोर आई है। लेकिन ए क्या होगा नेगेटिव फोर आई बी सी क्या होगा नेगेटिव फोर आई एन सो ऑन इसी तरीके से जो कुछ ओ सी की डायरेक्शन में है और OC लेंथ जितना है दैट वुड बी 4j और CO होगा तो नेगेटिव 4j अच्छा उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद आप फिर इनका आप इसका लॉजिक बनाएंगे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए O से लेके B तो आप गए 4i 4j अगर मुझे F तक जाना है सो दैट इज 4i 4j 4f दिस इज बेसिक स्टफ पीपल नो दिस अच्छा इसमें डायग्राम से मेजर कर लीजिएगा और जो जो वेक्टर्स की जरूरत है उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है इन द यूनिट्स और उसके बाद उसी तरीके का डायग्राम बना हुआ है इसने कहा कि क्यू ए पी एज वन थर्ड ए बी ए पी इज वन थर्ड ऑफ ए बी तो ये हिस्सा वन है ये पूरा थ्री है सो so दे अगर ए बी जो है सिक्स छ है तो वन थर्ड होके टू जे हो गया और पीबी जो है वो हो गया फोर जे सही है डी इज क्यू इज the पॉइंट ऑफ डी एफ तो डीएफ निकाल के जो आपको आएगा डी एफ इज द सेम थिंग एज ओ बी सो सिक्स आई प्लस सिक्स जे दट द सेम थिंग एज डी एफ अच्छा उसके बाद क्या है कि आपने निकाला है मैंने इस तरीके से वर्किंग की है कि सबसे पहले मैंने डी क्यू निकाला है DQ डी क्यू जो है दैट इज थ्री आई प्लस थ्री जे आधा यू गए थ्री आई आधा यू गए थ्री जे इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल डायग्राम जरा सा यानी इल्यूजन आपको जरा सा डिफरेंट देगा उसके बाद वो कहेगा फाइंड द एंगल ओ क्यू पी ओ क्यू पी के लिए क्या कहेंगे ओ से क्यू गए क्यू से पी गए लेकिन टेक टू वेक्टर्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट और टू वेक्टर्स

ये आ, six की नेगेटिव डायरेक्शन है दातस माइनस सिक्स आई तो ये सारा नेगेटिव है ऑर्डर पहले सही करे, फिर कॉलम में वेक्टर में लिखेगा ऑर्डर मेक्स अ डिफरेंस जस्ट लाइक परमिटेशन उसके बाद ये कह रहे पी ए अब पी ए तो हो गया पी एन कैसे जाएंगे अब पी एन ऐसा नहीं है कि आपने छलांग मारी और इधर पहुंच गए ऐसे नहीं कर सकते हाँ ये कर सकते आप नीचे उतरे तो जब आप नीचे उतरेंगे तो ये ओ की लाइन में किसी जगह पे उतरेंगे बात समझ में आई क्योंकि ये मिड वैल्यू है तो ये यू आएगी तो ये तो हो सकता है माइनस सिक्स के फिर उसके बाद यू आ जाए दात प्लस आई और फिर आप यू आ जाएंगे तो ये एट और यहां पे टेन ये एट और टेन का जो फर्क है दैट इज टू इस तरीके से भी आ सकते अच्छा मैंने कैसे किया है जो मैंने पहले से वर्किंग की है मैंने अलग से पी uh, के लिए मैंने अलग से ओ एन निकाला है। और op ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने इस तरीके से किया व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज़ 6 2 6 6 ये है अ 6i वो तो बाद में आएगा ये है -6k ठीक है यहां देखें यहां -6k और ये है +6i और फिर ये वाला है 2j इस तरीके से भी कर सकते थे अगर आप लिखना चाहें। इसी तरीके से ये बेसिक किस्म का भी क्वेश्चन है अब आएं इसके ऊपर लेक्चर 4 वो पहले तीन लेक्चर्स का खुलासा मैंने आपको समझाया अब लेक्चर फोर और लेक्चर फाइव के बारे में बात करता हूं वेक्टर फॉर्म कॉलम वेक्टर आई जेटीन फॉर्म का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सपायर एग्जाम्पल टू डी ज्योमेट्री टू डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है वाईक्रेस सी एन क्या होता है स्लोप होता है स्लोप टेल्स यू द डायरेक्शन पॉजिटिव टू का मतलब है गो वन यूनिट राइट यू राइज अप बाय यूनिट यही मतलब है मतलब होता है गो वन यूनिट राइट एंड यू विल गो डाउन बाई थ्री डाउन समथिंग होता है एक खास पॉइंट जिसका नाम है थ्री डी के अंदर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लामडा बी वॉट इज आर पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन दैट कॉल्ड कोई भी पॉइंट जो है लाइन

लैंडा की वैल्यू टू डाली मुझे आर की वैल्यू मिली थ्री फाइव सेवन इन दोनों का डिफरेंस ए बी दट वन टू थ्री इन दोनों का डिफरेंस वन टू थ्री ए और सी का डिफरेंस दट इज सिक्स फोर लेकिन सिंप्लीफाई करूंगा दैट्स आल्सो तो ये वन टू थ्री है ये वन टू थ्री है ये टू सिक्स फोर है सिंप्लीफाई होके क्या बता रहा है कि ये सारे आपस में पैरेलल है अच्छा उसके बाद एक और चीज करते इक्वेशन है दो पॉइंट्स है मुझे चेक करना है कौन सा उस पर लाई करता है जब ये वाला प्लग इन करूंगा सॉल्व करूंगा तो मेरे तीनों लैमडा की वैल्यू सेम आती है ये प्लग इन करूंगा तीनों वैल्यूज ऑफ लैमडा डिफरेंट आती है ये कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट आपको मिले और एक ही वैल्यू लैमडा प्लग इन करेंगे ना तो आंसर आएगा तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट प्लग इन करेंगे सो करस्पॉन्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ लैमडा शुड बी द सेम देफ इफ वी गेट द सेम सिंगल वैल्यू ऑफ लैमडा दैट मीन पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन अदरवाइज पॉइंट ड नॉट लाइ ऑन द लाइन ये कॉन्सेप्ट भी हो गया उसके बाद क्या कह रहे हैं

बाई द सेम स्टैंडर्ड या मैं आपको ए और बी दे दू अ फिक्स पॉइंट बी इज द डायरेक्शन वेक्टर तो आपके पास इक्वेशन आ गई आपने कुछ नहीं करना लिखना है ठीक है ना ये ब्रैकेट्स में इधर लिखना है इधर लिखना है या मैं आपको दो पॉइंट्स दूं आप खुद अपना डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे आप खुद अपना फिक्स पॉइंट निकालेंगे टू डी के अंदर पैरल का मतलब होता है सेम स्लोप थ्री डी के अंदर पैरल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन वेक्टर चाहे एग्जैक्टली exactly सेम हो चाहे स्केल मल्टीपल हो वन टू थ्री भी लिख सकता हूं

अब आए दूसरे क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन ऑफ Q एंड दिस इज 4 5 6 तो यहां पर जो है वो मैंने Q और R का डिफरेंस निकाला तो दैट इज QR व्हिच इज दिस थिंग मैंने आर क्यू भी निकाल दिया उलट करके फिक्स पॉइंट या तो कोई उस पर पाबंदी नहीं है फिक्स पॉइंट क्यू भी हो सकता है फिक्स पॉइंट आर भी हो सकता है अब देखिए मैंने एक को ग्रीन का निशान दिया एक ब्लू दिया एक ऑरेंज दिया एक पर्पल दिया क्या चार ऑप्शंस बन रहे हैं ग्रीन ऑरेंज का ऑप्शन है ग्रीन पर्पल का और ऑप्शन है ब्लू पर्पल का ऑप्शन है ब्लू सॉरी ब्लू ऑरेंज का ऑप्शन है ब्लू पर्पल का ऑप्शन है इसका मतलब है दो मरतबा सेम फिक्स पॉइंट रखा और डायरेक्शन वेक्टर्स पलट दिए दो मरतबा सेम फिक्स पॉइंट रखा डायरेक्शन वेक्टर्स पलट दिए चारों आंसर सही है ये मत पूछेगा डेफिनेटली चारों के चारों आंसर सही इसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं थ्री 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 की जगह मैं लिख दू वन वन तब भी सही है अच्छा जी उसके बाद क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का टीजी फॉर्म अच्छा जी ये जरा सा थोड़ा सा वो लग रहा है इसको हटा देते हैं अभी आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लामडा भी यहां पर आपने आर की जगह लिखा एक्स वाई सी आपने ए की जगह लिखा ए बी सी आपने लामडा की जगह लिखा पी क्यू आर तीनों में दस चीजें नजर आ रही तीन 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 और दसवीं दसवीं को कॉमन ले लें तो लामडा इस सच लामडा इस सच लामडा इस सच इनको आपस में बराबर कर दे तो ये जो आंसर आपको नजर आ रहा है दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन थ्री डी क्या चीज नजर आ रही है आपको नजर आ रहा है एक्स माइनस p पी वाई माइनस बी ओवर क्यू जी माइनस सी ओवरआर हमेशा पहले x फिर y फिर z लिखेंगे हमेशा XYZ का होगा हमेशा minus, minus, minus आएगा को बी कुटिव ए बी सी कुड बी पॉजिटिव और डायरेक्शन vector और माइनस के बाद ए बी सी क्या है दैट इज द एक्स वाई जी कॉर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट ये कन्वर्शन करते हैं आती है ये आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस इस एंगल बिटवीन द डायरेक्शन वेक्टर्स नथिंग टू डू विद द फिक्स पॉइंट नथिंग टू डू विद द फिक्स पॉइंट एवरीथिंग टू डू विद द डायरेक्शन वेक्टर अभी आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है उसकी बेसिस पे ये वर्किंग हो जाती है अच्छा जी उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आगे लेके जाते हैं दैट पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू लाइंस तो यहां पे आप क्या करेंगे कि ये मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं जैसे अभी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक में चेक किया था कि वो आपस में पैरल है या पैरल नहीं है तो वन टू माइनस थ्री को डबल किया टू फोर माइनस सिक्स ये पैरल है वन टू माइनस थ्री में वो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव एक नेगेटिव थे ये तीनों पॉजिटिव है ये पैरल नहीं है और थ्रू आउट आपने साइन चेंज किया प्लस को माइनस किया प्लस को माइनस किया माइनस को प्लस किया यस इट्स पैरल नॉन प्लेनर लाइन दो लाइनें जो आपस में पैरल नहीं है मगर एक ही प्लेन के ऊपर है एक ही कागज के ऊपर है एक ही दीवार के ऊपर है एक ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर है एक ही सीलिंग के ऊपर है एक ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है सो so, अगर वो नहीं है दैट दे विल इंटरसेक्ट लेकिन अगर ना वो पैरल है ना वो इंटरसेक्टिंग है उनको कहते हैं स्क्यू लाइन इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि नीचे से रोड जा रहा है और ऊपर से ब्रिज जा रहा है ठीक है ना तो सबसे प्यारी मिसाल इसकी ये है के रोड नीचे से जा रहे है और ब्रिज जो है वो ऊपर से जा रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन द लाइन एल एंड एम है इक्वेशन सच एंड सच शो दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छा जी अब इसके अंदर ये कहेंगे कि आपके पास जो है Uh, यहाँ क्वेश्चन में ये था मैंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जाती है अब यहाँ पर क्या करेंगे ये आपकी लाइन की इक्वेशन है ये आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन है इसको एक सिंगल इक्वेशन बनाएँ यानी ये ब्रैकेट खोल दे one plus s one minus s one plus two s four plus two t six plus two t one plus t तीन इक्वेशन्स ह

उसके बाद या तो s को s की इक्वेशन में डाल दे या तो s को इधर डाल दे या t को इधर डाल दे नेचुरली सेम आंसर आएगा मैंने आंसर करके ये वाला s का बता दिया t को भी डाल के देख में एग्जैक्टली exactly सेम आएगा दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर वो कोऑर्डिनेट कहेगा तो इस तरीके से छोड़ देंगे बाय बाय और अगर वो पोजीशन वेक्टर कहेगा तो वो यूं करेंगे कि पोजीशन वेक्टर को यूं करके छोड़ देंगे डन हो गया अच्छा जी

जो ये वेक्टर है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब जीरो है ये वेक्टर लिया और लाइन का क्या लिया लाइन का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर लिया विच इज यहां ये रहा वन टू एंड माइनस थ्री लाइन का आपने लिया वन टू माइनस थ्री दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर तो डायरेक्शन वेक्टर से आपने वो जो वेक्टर था पी आर उसका डॉट प्रोडक्ट किया और आपने जीरो कर दिया वाई बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी अब ऑप्शन से एग्जामिनर अलग अलग सवाल पूछ सकता है हो सकता है वो आपसे सिर्फ पूछे फाइन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो म्यू को यहां पे डाल दे हो सकता है वो आपसे पूछे द वेक्टर पी आर तो आप म्यू को यहां पे डाल दे हो सकता है वो आपसे पूछे पी आर का मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें जो पी आर का मैग्नीट्यूड है दैट्स द द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप यू भी कर सकते हैं पी को अलग ढूंढा आर को अलग ढूंढा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल अच्छा जी ये वही चीज चल रही है आई थिंक ये मैंने दो मरतबा ये लेक्चर समझाया होगा क्लास के अंदर सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट अच्छा जी वही फाइव स्टेप प्रोसेस यहां पर भी है अच्छा यहां से देख लेते हैं ठीक ये यह तो यहां पे हो गया और यहां पे जरा सा देखते हैं कोई खास क्वेश्चन होते हैं तो उसको देख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड यहां से जरा सा उठाते हैं क्वेश्चन अच्छा जी यहां पर ये क्वेश्चन जरा देखें स्ट्रेट लाइन एल वन पास टू माइनस टू वन दाइन एल टू है ढूंढनी है आपके पास दो पॉइंट है एक ए है एक बी है आपने ए बी ढूंढा और आपकी मर्जी चार ऑप्शन है इसको फिक्स पॉइंट ले ए बी ले इसको फिक्स पॉइंट ले ए बी ले इसको फिक्स पॉइंट ले बी ए ले इसको फिक्स पॉइंट ले बी ए ले, ले तो चार ऑप्शन से मैंने लिया है जीरो वन फाइव जो कम सिंपल नंबर्स वाला है जिसमें जीरो है मैंने उसको फिक्स पॉइंट ले लिया और जो आ रहा था ए बी उसमें दो नेगेटिव्स थे मैंने उलट कर दिया मैंने बी ए ले लिया तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया सही है उसके बाद क्या कह रहे हैं

एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है उसका नाम है ए ए 100 है हो सकता है ए या चले क्यू जो है वो 1000 थाउजेंड जीरो और जीरो होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एक्स सही है तो वो ओरिजिन से गुजरती है तो ये फिक्स पॉइंट जीरो 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 हो गया लैम्डा टाइम्स वन अगर मैं वन और जीरो भी लिखता वो भी सिंप्लीफाई होकर वन ही होता वन कॉमन ले लेता ले क्या फर्क पड़ता इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स दिसरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्स जीरो से गुजरेगा जीरो से गुजरेगा न्यू टाइम का डायरेक्शन उठा लिया एक्स एक्स का डायरेक्शन है उसके दरमियान एंगल निकालेंगे इस क्वेश्चन में खास बात ये थी उसके बाद एक और चीज है एक है वन फोर माइनस टू एक है वन थ्री और यह कह रहे हैं आर एस सच एंड सच व एज अ कॉन्स्टेंट शो द लाइन इंटरसेट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटर अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की.

वेरिएबल तो उसकी जरूरत ही नहीं हुई ना वो गायब हो गया तो इसकी ऊपर मोहताजी नहीं हुई उसके ऊपर ये, तो ये लिखा ये दोनों लाइन की इक्वेशन आपने लिखी जो कि आपको गिवन है एक लाइन नाम नहीं लिखा हुआ है एक का नाम एल वन है एक का नाम एल टू है आपने एल वन लिख दिया आपने एल टू लिख दिया आपने उसको बराबर किया इक्वेशन टू लिया इक्वेशन वन लिया इससे म्यू वन आया थ्री में plug -in किया, सारे A's cancel हो हो गए, दोनों बराबर गई, इसका मतलब है the lines intersect, क्यों? क्योंकि इटिफाइज ऑल थ्री इक्वेशन दो इक्वेशन तो सैटिस्फाई होती ही होती है तीसरी भी सैटिस्फाई हो गई बराबर से एंड ए डिस ए डिस

120 का मतलब ए पी डॉट ए बी इसका ए पी आएगा इन टर्म्स ऑफ टी नॉर्मल किस्म का उसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आएगा इन टर्म्स ऑफ टी है तो जरा तगड़ा सवाल ए बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो रूटेट आया उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट लगाया ए पी डॉट ए बी आई आई ये रही यहां तक तो उसने आपको पहुंचा दिया अब जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी आपको अंदाजा नहीं है कौन सी सही है कौन सी गलत है तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसको प्लग इन करके चेक करेंगे जब ए पी में डालेंगे और उसकी बेसिस पे एंगल निकालेंगे तो वो वाला जो एंगल है वो दोनों साइड्स बराबर नहीं होते या तो एंगल निकाले या दोनों साइड्स को बराबर करे सो so, ये वाली साइड्स बराबर नहीं सॉरी ये माइनस टू डाल के बराबर हो रही है और इसी की बेसिस पे आंसर है नो नीड टू ट्राई क्योंकि इसने एक ही पॉइंट का कहा है फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी खुदा ना खासा अगर मैं नेगेटिव टू थर्ड डालता तो वो बराबर नहीं होता मैंने माइनस टू डाला दोनों साइड्स बराबर हो गया मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दैट्स अ पॉइंट पी और इसके बाद क्या लिखा हुआ है ऑब्टेन पोजीशन वेक्टर सच एंड सच फ्रॉम टी इज हैविंग रिजेक्टेड द रूट टी इज इक्वल्स तो मेरे ख्याल से जो आज की क्लास है वो मैं यहां पे इसको रोकता हूं और ये आपका पहला सेशन डन हो गया नाथ इज अबाउट एंड आइटरेशन टेक केयर